जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं यह रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है, जो बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती है। यह द्विवर्षीय सत्र 2024 से 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन, और आज की जो यह सेशन लास्ट है टेस्ट सीरीज का। इसके बाद मैं महामैराथन क्लासेस लेके आऊँगा, जिसमें आपको देखिए 9 टेस्ट सीरीज का एक ही बार में क्लासेस रहेगी, फिर 6 सेट का एक ही बार में प्रीवियस ईयर का रहेगा। तो पहले प्रीवियस ईयर का हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे मैराथन क्लासेस, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आज की जो टेस्ट सीरीज नंबर है वो 15वें क्रम की है, यानी यहाँ पर देखा जाए नंबर तो 9वें में है और क्रम जो है 15वां है। तो इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाली है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद जरूर बताइए कि कौन से बुक लेकर आऊँ मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। जिस कमेंट का मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी वही बुक आने वाली है ना, इस वीडियो से ही पता चलेगी कौन सी बुक आने वाली है नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं टेस्ट सीरीज नंबर 9 पे, जिसमें पहला सेक्शन क्या बनता है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का। तो आइए हम लोग इस डायरेक्शन को देखते हैं, 1 से 5 नंबर तक पढ़ने वाले इस डायरेक्शन में दिया गया है, और पैसेज को हम लोग केयरफुली पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बन रही है। सेक्शन 1 में है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, डायरेक्शन क्या दिया हो कि 1 से 5 तक क्वेश्चन बनने वाला है। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आइए हम लोग रीड करते हैं पैसेज को। आवर वर्ल्ड हैज़ अ हेरिटेज ऑफ कल्चर एंड ब्यूटी, हमारी दुनिया कैसी है, तो हमारी दुनिया के पास जो है संस्कृति और सुंदरता का विरासत है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन हैंडिंग ऑन दिस हेरिटेज ओनली टू द लेस एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट मेन ऑफ इच जनरेशन, यानी क्या कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस विरासत को केवल प्रत्येक पीढ़ी के कम जो सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, बाई विच आई डू नॉट मीन इट्स अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट बट इट्स अ की पोजिशन ऑफ पावर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि दुनिया की जो सरकार है, जिससे मेरा तात्पर्य है कि उसके मंत्री पदों से नहीं है बल्कि सत्ता के प्रमुख पद से है, हैज़ बीन अलाउड टू फॉल इन टू द हैंड ऑफ मैन इनग्रोनेंट ऑफ द पास्ट विदाउट ट्रेंडेंस टू वर्ड वॉट ट्रेडिशनल विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट दे आर डिस्ट्रॉइंग। यहाँ पे बोल रहा है कि जब बल्कि सत्ता के प्रमुख पद से है, अभी के जो अनभिज्ञ लोग हैं उनके हाथों में जाने दिया गया है, और बिना पारंपरिक चीज़ों के प्रति जो है बहुत ही सरलता से, बिना यह समझे कि वह नष्ट कर रहे हैं। वॉट इज अ नो इसेंशियल रीजन वाई दिस शुड बी बाई द केस, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है या कारण नहीं है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। टू प्रिवेंट इट इज एन एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, इसे रोकने का एक शैक्षणिक समस्या है और बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पे आप बात समझे ना, ये क्या चीज़ के बारे में, मतलब कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो बहुत ही सुंदर है, बट ये जो हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है हम अपने अगले जो पीढ़ी है उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं ना, तो उसको जो है कम सक्रिय जो लोग हैं उनको हम लोगों ने सौंप दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि मंत्री पद से नहीं है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़े अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना है कि आवर वर्ल्ड हैज़ अ हेरिटेज कल्चर मीन्स, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमारी दुनिया के पास जो संस्कृति की विरासत है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एन हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशनल, आंसर बी बनेगा, यानी कि एक विरासत में मिली सांस्कृतिक परंपरा है। अगला देखें, द लेस एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट पीपल आर द डैश कॉमन पीपल, राइट आंसर ए बनेगा ना। यहाँ पे आम लोगों की बात है कि कम सक्रिय और महत्वपूर्ण लोग कौन है, आम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैन इनग्रेंट ऑफ द पास्ट मीन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब अतीत से जो अनभिज्ञ पुरुष हैं उसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोज विथ नो अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री,
आंसर राइट आंसर ए बनेगा, यानी कि जिन्हें इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय, यहाँ पे शिक्षा से स्थिति में सुधार हो सकता है, तो हो सकता है मेकिंग पीपुल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर, आंसर बी बनेगा, यानी कि लोगों को दुनिया की संस्कृति से अवगत कराने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैसेज इज अबाउट, मतलब यह गद्यांश इस बारे में है, किस बारे में है, तो आंसर बनेगा द लैक ऑफ कल्चर अवेयरनेस ऑफ द रूल्स, आंसर डी बनेगा, यानी कि शासकों की संस्कृति जो है जागरूकता की कमी, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिए, डायरेक्शन क्या दिया होगी, 6 से 8 तक क्वेश्चन नंबर हमें बनेगी, मैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 6 से 8 तक बनने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार विच हैड बीन हेल्ड ऑन द प्रीवियस डे हैड रिसीव एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, तो आंसर यहाँ पे क्या बनने वाली है, आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर बन जाएगी इशूड, आंसर ए बनेगी, इशूड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट क्या है टेंस, इस कारण यहाँ पे इशूड होगा। नेक्स्ट देखे, आफ्टर सी रिसीव्ड एन ओवर रिप पपाया विद्या एक्सक्लेम्ड दैट सी वुड नेवर एवर डैश फ्रूट्स ऑनलाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगी, यानी कि अधिक पका हुआ पपीता मिलने के बाद विद्या ने कहा कि वह कभी भी ऑनलाइन फल डैश नहीं देगी, तो क्या नहीं देगी, आंसर बन जाएगा डी, ऑर्डर नहीं देगी ना, है ना, आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखें, द पेशेंट फैमिली हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू डैश हर इन टू अ हॉस्पिटल, तो आंसर क्या बनने वाली है, यानी कि मरीज के परिवार को उसे अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी डैश परेशानी उठानी पड़ी, तो आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर हमारी बी, एडमिट का आंसर राइट आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम, क्या है, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है कठोर परिश्रम, है ना, इसका मतलब क्या होता है, कठोर परिश्रम, तो आंसर बताइए क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, आंसर ए बनेगा, यानी अत्यधिक शारीरिक श्रम। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम, क्या दिया है, फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल यानी इसका मतलब क्या दिया है, प्रसन्न होना, है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा हमारा टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, आंसर बी बनेगा, कहने का मतलब है पूर्ण स्वस्थ होना और भला चंगा होना, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, क्या दिया है हमारा, द फर्स्ट पीपुल टू लिव इन एन एरिया, तो बताइए क्या बनेगा आंसर, मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले पहले लोग, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, आंसर बनेगा नेटिव, राइट आंसर बी होगा, नेटिव मतलब देशज या किसी स्थान विशेष का हो। ये अगला प्रश्न क्या बनता है, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, क्या दिया है, स्पेशली स्पेशल वर्ड एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पार्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन दियर वर्ड्स, कहने का मतलब है कि लोग के जो विशेष समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष शब्द और वाक्यांश विशेषकर उनके काम में आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा ना, तो आंसर बनेगा जॉर्गन, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या दिया है हमारे पास, फैटीज, इसका मतलब होता है क्या है, ये एक नाउन है,
इसका मतलब होता है थकान, है ना। इसका आंसर क्या बन जाएगा, एंटोनिम आंसर बनेगा एनर्जी, है ना, स्ट्रेंथ, ये सब बनेगा। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, मतलब मजबूती। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड। क्या दिया हुआ हमारे पास, सेम्यूज। सेम्यूज मीन्स होता क्या है, इसका मतलब होता है, यह एक सेम्यूज यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब होता है गंदा या मैला करना, है ना, दाग या धब्बा। तो आंसर क्या बन जाएगी इसकी, राइट आंसर हमारे पास बी बनेगी, स्ट्रेन, राइट आंसर बी, स्ट्रेन मीन्स भी होता है धब्बा या गंदा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है कौन सी है इसमें, गलत कौन सा है वर्ड। तो आप देखेंगे क्या इसमें कौन है, राइट आंसर आपका इमरजेंसी, यही गलत निकलेगी। तो ये होगी क्या, तो आप देखेंगे EMERGENCY, है ना, इमरजेंसी होती है ना, तो GENCY, बल्कि एस नहीं होगा यहाँ पे। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब क्या होता है, आपातकाल होता है, और डियरफुल मतलब तो जानते ही आप लोग, डियरफुल मतलब होता है भयंकर, है ना, इनफ्लेमेबल मतलब दहनशील होता है, और बिजनेस मतलब तो पता है व्यापार। अगला खंड दूसरा जो आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का है, तो देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है हमें, ठीक है, और प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चुनना है। तो देखिए क्या दिया है कि किसी भी देश या समाज के उत्थान के लिए शिक्षा अग्रणी भूमिका निभाती है। इसका कारण है कि शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है और व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है। यह बहुत दुखद है कि हमारे यहाँ गुणवत्ता वाली शिक्षा का अभाव है, परिणाम स्वरूप शिक्षित होने के बावजूद लोग में दक्षता नहीं है। शिक्षा में नेतृत्व क्षमता के विकास पर बल डाला जाना चाहिए। आजकल शिक्षा को तकनीक समावेशी बनाया गया है, जिससे कम समय और कम खर्च से अधिक लोग जो हैं अधिक कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षा के प्रसार में पत्रिका, समाचार पत्र, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, रेडियो, मोबाइल इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। इन चीज़ों के अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन पश्चिमी शिक्षा का पूर्ण नकल हमारे लिए घातक हो सकता है। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई और इसमें आमूल परिवर्तन की बात कही गई है, फिर भी सभी के लिए समान शिक्षा काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इसे देखें, उपयुक्त अवतरण के लेखक कौन हो सकते हैं, लेखक क्या हो सकता है उपयुक्त अवतरण का, तो लेखक हो सकता है शिक्षाविद, शिक्षाविद आंसर बी बन जाएगा। देखिए पश्चिमी शिक्षा की नकल का क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो घातक परिणाम, आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो तकनीकी शिक्षा का बुरा असर हुआ, आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, समान शिक्षा समय की मांग है, आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो उपयुक्त अवतरण का सही शीर्षक क्या होगा, इसका सही शीर्षक होगा शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, आंसर ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थक शब्द का चयन करना हमें, मनोज, मनोज का समानार्थक शब्द क्या होगा, कामदेव, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, दांत गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए क्या होगा इसका, तो आंसर बनेगा उम्र पता लगाना, आंसर बनेगा बी, उम्र का पता लगाना। अब देखिए, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्रोध प्रदर्शन करना, दांत निपोरना इसका अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ मतलब कि गिर गिराना, है ना, और दांत से दांत बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत जारा पड़ना, और दांत पीस कर रह जाना इसका मतलब होता है क्रोध पीकर रह जाना, है ना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस पत्रिका का संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, तो कौन पत्रिका किए थे, आंसर बन जाएगा सी, बाला बोधनी, राइट आंसर सी बनेगा। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का हमें विलोम शब्द का सही उत्तर चुनना है,
वक्र का विलोम शब्द बताइएगा क्या बनेगा, वक्र का रिजु आंसर ए बनेगा, वक्र का क्या होगा रिजु, वक्र का अर्थ क्या होता है टेढ़ा और इसका विलोम रिजु मतलब सीधा होगा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश, आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम तो राइट आंसर बी पाताल होगा। अब देखिए सबसे पहले गिना जाने वाले, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इसमें उपयुक्त तो शब्द क्या है, क्या है वो शब्द तो अग्रगण्य आंसर डी बनेगा। और जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, और जो सबके आगे रहता है उसके लिए शब्द है अग्रणी, और आगे की बात सोचने वाला उसके लिए अग्रसोची। अगला देखिए, तद्भव शब्द का हमें चयन करना है, किसका तद्भव, कौन है इसमें तद्भव बताइए, आंसर बनेगा डी आपका चांदी जो है तद्भव है, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, तो क्या होगा इसका आजन्म शत्रु है ना, आंसर बनेगा डी आजन्म शत्रु। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर सी द्विगु समास है ना। द्विगु समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण जैसे त्रिफला है, त्रिभुज है, चौराहा है, नवग्रह हो गया, पंचवटी हो गया है ना। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, महाकवि, पीत सागर, महावीर और नराधम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कबीर की वाणियों की भाषा कौन सी है, उनकी भाषा कौन सी है तो आंसर बनेगा ए साधुकड़ी, आंसर कौन सी बनेगा साधुकड़ी। कबीर दास जो है निर्गुण के भक्तिकालीन संत है, इनकी भाषा उनके भाषाओं का जो है खिचड़ी मिश्रण है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर दास की रचनाएं जो है जैसे शबद हो गया, बीजक हो गया ना, साखी हो गया, रामायणी हो गया, ये सब है। अगला आते हैं सेक्शन क्या देखते हैं, तीसरा सेक्शन जो है खंड तीसरा जो है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक है, रीजनिंग मतलब। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बनना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर जो है छोटे अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं, तो कितने अक्षर समान दिखेंगे तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी 6 जो है देखने पे समान बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, और वो कौन कौन से हैं, तो वो है आई है ना, एल ओ भी डब्ल्यू और एक्स है। अगला क्वेश्चन देखें कि लीला जो है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती, कहाँ दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, एक चौराहा पर वह किधर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है तो बाईं ओर इससे मुड़ाते हैं हम लोग, बाईं ओर मुड़ गई। और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे 500 मीटर तक चलती है, ठीक है ये 500 मीटर तक चली, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, मतलब कि यहाँ से बताना है वह अब किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, यह कहलाएगी हमारी ये तो पूर्व, ये दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व, तो आंसर बन जाएगी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना, जैसे जीवाणु जो है बीमारी से है तो वैसे ही दूसरा निकालना हमें, तो आइए देखते हैं कौन सी निकलेगी इसमें। जैसे जीवाणु जो है बीमारी से है उसी प्रकार लापरवाही किससे हो जाएगी, त्रुटि से हो जाएगा, आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है, तो अजय का रजत से क्या संबंध होगा, तो अजय के रजत से क्या संबंध होगा, देखिए यहाँ पे अजय है अजय ठीक, और ये इसके इकलौते पुत्र ठीक है किसके, तो यहाँ पे इसके जो पिता है इसके जो फादर है लिखते हैं इनके लिए ठीक है, इसके जो पिता है इसकी बहू यही है ना ठीक है, यानी इसको माइनस डाल दीजिए अजय के, अब अजय जो है पिता या चाचा है किसके, रजत का, यहाँ पे रजत है, रजत इकलौता पुत्र है किनका, इनका इकलौता पुत्र है, तो अब हमें बताना है और ये बहू है इनकी और ये इनके पिता, यानी कि अजय की ये पत्नी हुई ना, तो हमें क्या बतानी थी कि अजय का रजत से क्या संबंध है, इससे ये क्या संबंध है, या तो पिता बनेंगे इसके, मतलब कंफर्म ये पत्नी नहीं बताया गया, या तो पिता या तो चाचा बनेंगे है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा या तो पिता या तो चाचा, राइट आंसर डी। अगला देखिए, एक कक्षा से जो है 1/4
ने जर्मन सीखने का विकल्प चुना और शेष छात्रों में से 4/5 ने इटालियन चुना। शेष छात्रों में से 2/3 फ्रेंच और शेष ने जापानी सीखने का निर्णय लिया। यदि 12 लोगों ने जापानी सीखने का निर्णय किया तो इनमें से कितना लोग ने इटालियन को चुना था, तो आइए देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और बनाकर देखते हैं कि कितने लोगों ने इटालियन को चुना है। तो आप मान लीजिए कि कुल छात्र एक्स है, तो एक्स यदि छात्र है मेरे, उसमें से 1-1/4 गुणे करते हैं हम लोग 1-4/5, ठीक। अब फिर से मल्टीपल करेंगे किससे कि 1-2/3 या इक्वल में कितना हो जाएगा 12 के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स मल्टीपल 3/4 गुने 1/5 गुने 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा 12। यानी अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए इसे मल्टीपल करते हैं तो कितनी आ जाएगी हमारे पास एक्स इक्वल 12 × 4 × 5 करिएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। अब इटालियन चुनने वाले छात्रों की संख्या हमें बतानी है, तो 240 गुने 1-1/4 इक्वल कितनी हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल 4/5 करनी होगी, तो करिए इसे 240 गुने ये 4 में से एक यानी 3/4 गुने ये 4/5, 4 से 4 ये 5 से काटिए, 5 × 20 5×8 = 40 यानी 48 × 3 कितना हो जाएगा 144। तो आंसर कितनी आ गई हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कितने लोग हैं टोटल, तो 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यू जो है एस और पी के बगल में बैठा है, यू क्या है, तो यू जो है किसके बगल में बैठा है, एस और पी, तो हम यहाँ पे एस डालते हैं और यहाँ पे पी डालते हैं, ठीक है। पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान है, पी जो है क्यू के बाएं से, तो क्यू मतलब यहाँ पे रहेगा तभी तो बाएं से दूसरा आएगा, 3 और 2 5, ठीक है। टोटल कितने हैं, 3 6 है ना टोटल, तो दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एक और डाल दीजिए, ठीक है। तो अब दूसरे स्थान पे आ गया पी, यहाँ पे अभी हमें नहीं पता है क्या है, दूसरे स्थान पर है क्यू, किसी एक सिरे पे बैठा है, तो हमने सिरे पे वहीं बैठा है, तो बताएं कि सिरे के दूसरे पर कौन बैठा है, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, तो आपको पता होगा क्योंकि हमारा एक बच रहा है क्या आर और एक टी, या तो यहाँ पे आर रहेगा या टी रहेगा, या तो यहाँ पे आर और टी रहेगा, है ना, तो इसी दोनों में से रहने वाले, आर तो ऑप्शन है नहीं, बस टी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना था कि अच्छा यहाँ पे बताएं कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा ना, तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन था, जब आर या टी था उसके जस्ट बाद एस था ना, तो आंसर हमारा सी ना बनेगा, यदि लास्ट वाला पूछता तब तो टी बनता ना। अब हमें बताना है निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज है, इसमें टोटल में से हमें काउंट करना है त्रिभुज कितने हैं, तो आप काउंट करिएगा तो कितने आ जाएंगे, तो आप काउंट करिएगा तो इसमें टोटल 21 त्रिभुज आएंगे, आंसर सी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है कि क्या आने वाली है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या आएगी। देखिए 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी कि एल से स्टार्ट होने वाली, तो या तो सी या तो बी ऑप्शन होने वाली, ना आपका डी आएगा ना ही ए आएगा, तो बस दो ऑप्शन है उसमें से हम लोग निकाल लेंगे। क्यू के बाद 17 के बाद 18 के बाद 19 के 20 इसके बाद 21 यानी यू आने वाली है, तो एल यू दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद जस्ट देखिए एम के बाद क्या दिया है, 13 के बाद 12 एक घटा, फिर यहाँ से 11 एक घटा, फिर 10 एक घटा, तो 9 यानी आई होगा, तो आई किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, बी आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि दिया है बी सी और सी डी ई, डी ई एफ जी और एफ जी, तो अगला क्या आने वाला है, तो बी के बाद सी डी ई एफ, तो अगला जी आएगा, कन्फर्म है, जी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, जी से स्टार्ट होने वाला बस एक ही है, तो राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि सी का वैल्यू 3, ये सभी का एग्जिट वैल्यू सही दिया हुआ है, यानी कि यहाँ देखिए 3, 5, 7, 9, तो अगला 11 आएगा, कन्फर्म है, 11 के बाद 13, तो आंसर सी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए,
41 से लेकर 44 तक बनेगी ये क्वेश्चन, है ना। तीन समान है जिसमें से एक अलग है वो हमें बताना है, तो कौन एक अलग है, तो अब देखेंगे यकृत, अग्नाशय, गुर्दा सभी एक है, लेकिन रेनिन जो है यहाँ पे सबसे अलग है। राइट आंसर डी बनेगा। तो ये सभी जो है मनुष्य के आंतरिक पार्ट अंग है, जबकि रेनिन जो है क्या है, एंजाइम है जो आमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है ना, तो इसलिए रेनिन यहाँ पे सबसे अलग है। अगला देखें, सेक्सोफोन, जाइलोफोन, तुरही और सहनाई, इसमें सबसे डिफरेंट कौन है, तो इसमें सबसे डिफरेंट है जाइलोफोन, आंसर बी बनेगा। जाइलोफोन क्या होता है, तो देखिए सेक्सोफोन, सुरही, तुरही और सहनाई ये सभी जो है कास्टवाद से संबंधित है, जबकि जाइलोफोन कास्टवाद नहीं है, यह जाइलोफोन असामान्य है यहाँ पे। अगला देखिए, गला, नाक, आंखें और कान, तो आप तो यहाँ पे स्पष्ट बता सकते हैं कि गला सबसे अलग है, आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चांदी, नारंगी, बैगनी और आसमानी में सबसे अलग कौन है, तो चांदी सबसे अलग है इसमें, राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि एक बॉलर का औसत 18 रन था, अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई, तो बताएं कि उसने अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितने विकेट लिया था, कुल कितना विकेट लिया था, यही से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे विकेट लेने की संख्या हम एक्स ले लेते हैं, कुल रन कितना हो जाएगा, 18x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो 18x+40, क्योंकि लास्ट पे 40 रन मारता है, तो 18 में से एक घटाइएगा तो उसकी मल्टीपल होगी x+5 की, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो 18x+40=17, x+85 हो जाएगी, मल्टीपल करिएगा तो एक्स की वैल्यू निकाली, इसमें से घटाई तो यानी एक्स, और 85 में से 40 घटा दीजिए तो 45, यानी एक्स की वैल्यू 45, यानी विकेटों की संख्या हमारे पास निकल गई, तो कितना विकेट लिया था उसने, 45, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करना जो खाली स्थानों पर दिखाता है, तो इसमें खाली स्थान में क्या भरे जाएंगे, देखिए क्या भरे जाएंगे यहाँ पे, देखिए 1, 3, 3, तो यहाँ पे 49 है, यानी 3, 3, 6, 1, 7, 7 का होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे 4, 3, 7, 1, 8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, 2, 6, 6 तो आ गया, लेकिन ये 13 का होल स्क्वायर कितना चाहिए, और 7 चाहिए, तब ना आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1+4 तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 दिया है, ठीक। अब देखिए कैसे दिया है, तो ये आप कैसे दिया है आपको पता है, यहाँ पे 4 × 2 कर देंगे 8 और +1 हो जाएगी 9, यहाँ पे भी सेम वही करेंगे 16 और 2 18, इसको भी फिर 2 से मल्टीपल करिए, तो 12 और 3 15, इसको भी 2 से मल्टीपल करिए 16 और +7, यानी कितनी आ जाएगी 23, तो आंसर बन जाएगी राइट आंसर बी, क्योंकि इसमें 7 ऐड करना है उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या बनेगा ये आपको बताना है ना, तो देखिए एस के बाद टी, ओ के बाद एम दिया है, जैसे एस का क्या होता है 19 और टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है और एम का 13 होता है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले प्लस किया गया है 1, वैसे ही आपको भी यहाँ प्लस कर देना 18 के बाद 19, यानी एस से सभी स्टार्ट है, तो एस ओ कितना माइनस किया है 2 माइनस किया है, 2 माइनस कर दीजिए 15 से 2 13, यानी ऑप्शन डी या तो ऑप्शन ए बनेगा, सी तो होगा नहीं और बी होगा नहीं, आपका मात्र 2 ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद एल से ओ ले गया है, यानी 12 से 15 तीन बढ़ाया है, तो आपको 3 बढ़ाना है, 19 से 3, यानी कितना बन जाएगा 19 से 3 22, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 से 52 तक दी गई नीचे 4 प्रश्नों का उत्तर देना हमें, देखिए क्या बोल रहा है इसमें प्रश्न में, बोल रहा है कि 6 बॉक्स दिए गए हमारे पास, ठीक है, PQRSTU को अलग अलग रंग, काला, नीला, नारंगी, हरा, सफ़ेद और असलेटी में से एक रंग से जो है रंगा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई भी 2 बक्से को समान रंग से नहीं रंगा गया है, आर को जो है नारंगी रंग से रंगा गया है, एस और यू को ना तो सफ़ेद और ना ही स्लेटी रंग से रंगा गया है, पी को काले रंग से रंगा गया है, क्यू को सफ़ेद या नीले रंग से नहीं रंगा गया है, तो बताना हमें बॉक्स एस को जो है किस रंग से रंगा गया है। तो देखिए पहले आपको ये एक बॉक्स बनानी होगी, यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे देखें यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनानी होगी, ये जैसे आपको बताना होगा क्या टोटल कितने हैं, 6 कैंडिडेट है इसमें, 2, 3, 4, 5, 1, 6 टोटल हुए 6,
अब देखें यहाँ पे ये बॉक्स दिखानी है, ठीक, ये बॉक्स हो गई और ये आपकी कलर हो गई, कलर हो गया। तो इसमें दिखाना है कौन है, पी क्यू आर एस टी और यू, यही है ना कैंडिडेट। अब ये देखेंगे कि इनको ब्लैक पसंद है, चलिए हम सिर्फ शॉर्ट वाले नाम लिख देते हैं, और इसको स्लेटी एस है, और इसको नारंगी यानी कि ऑरेंज, और इनको पसंद है, इनको भी एस को पसंद है नीला या तो हरा यानी ब्लू या तो ग्रीन, या तो ग्रीन। और नेक्स्ट ग्रुप क्या पसंद है, वाइट, ठीक है, और इनको पसंद है नीला या तो हरा यानी सेम यही एस वाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस वाला ही, सीधे से समझ में आएगा एस वाला ये, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या बोल रहा है कि बॉक्स एस को किस रंग से रंगा जाए, किस रंग से रंगा गया है एस को, तो आप देख रहे हैं ना, या तो ब्लू या तो ग्रीन, या तो ब्लू या तो ग्रीन, आंसर नंबर कौन सी बन रही है, राइट आंसर आपकी ए बन रही है, ऑप्शन ए बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेटी रंग से किस बक्से को रंगा गया है, स्लेटी रंग कौन सा है, बस एक ही तो है क्यू, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बन रही है, राइट आंसर बी। अगला देखिए, बॉक्स टी को किस रंग से रंगा गया है, बॉक्स टी टी को किस रंग से रंगा गया, तो व्हाइट से, आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस बॉक्स को नीला रंग से रंगा गया है, किस बॉक्स को नीला रंग से रंगा गया है, तो नीला कौन सा है, तो आप देखे ना ब्लू और ग्रीन, ये भी ब्लू और ग्रीन था, तो ब्लू ग्रीन कौन था, या तो एस या तो यू, तो या तो एस या तो यू, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के जगह पे आने वाली संख्या का चयन करना है, 35 36 40, तो कितना कितना इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हैं ना यहाँ से 35 एक बढ़ रहा है यानी एक का क्यूब कर सकते हैं, यहाँ से कितना चार बढ़ रहा है, ये दो का क्यूब कर सकते हैं, ये एक ये चार, तो यहाँ पे कितना तीन का क्यूब बढ़ना चाहिए यानी 27 बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ पे चार का स्क्वायर बढ़ना चाहिए, अच्छा यहाँ पे देखें ये एक का क्यूब, ठीक है, ये एक का क्यूब, ये दो का स्क्वायर, यहाँ पे तीन का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे चार का स्क्वायर, फिर यहाँ पे पाँच का क्यूब, ठीक, और यहाँ पे छः का स्क्वायर, ऐसे बढ़ रही है, ठीक है ना, एक स्क्वायर क्यूब एक स्क्वायर क्यूब ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 27 बस इसमें बढ़ानी है, कितने हो जाएगी 67, राइट आंसर आपकी ऑप्शन सी। अगला देखिए, दी गई प्रश्नवाचक में चिन्ह पर क्या आने वाली है, 6 से 8, 11, 16, तो अगली संख्या क्या आएगी, तो देखिए 6 से 8 दो बढ़ गई, 6 से 8 कितने बढ़ा, 2, 8 से 3, यहाँ से कितना बढ़ गया 5, 2, 3, 5, तो अगली संख्या क्या 7 बढ़ेगी ना, तो 7 बढ़ेगी यानी 23, राइट आंसर डी बन जाएगी। अगला देखिए, अगला पद क्या होगा, तो ए बी डी यानी कितना बढ़ रहा है, देखिए ए से बी एक बढ़ा, फिर बी से डी दो बढ़ा, डी से जी तीन बढ़ा, तो अब यहाँ से चार बढ़ाना है, तो 7, 4, 11 यानी के आना चाहिए, तो लास्ट में या तो ये बनेगा या तो ये, अब देखिए ये हमारा दो तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, या तो डी आएगा नहीं तो ए आने वाला। अब देखिए 5 के बाद 7, 2, 9, 11 के बाद 13, ऑप्शन नंबर आपका यूं ही डी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है कि सामान्य जानकारी, अगला सेक्शन जो है सामान्य जानकारी है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं, टोटल कितने हैं सार्क में सदस्य, तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर बी, 8 सदस्य हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, सार्क का सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां देश कौन बना है, अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ढाका में आयोजित हुआ था बांग्लादेश में। अगला देखिए कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है, किन दो राज्यों की गृह भूमि है, तो आप देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है, राइट आंसर बनेगी ऑप्शन डी। कोरोमंडल तट जो है भारतीय उपमहाद्वीपों का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है, यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, कौन है बताइए, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, मलेशिया। आसियान का पूरा नाम होता है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान के संस्थापक सदस्य थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस और सिंगापुर। ब्रुनेई जो है 1984 में,
ब्रुनेई 1984 में, और वियतनाम वियतनाम जो है 1995 में आसियान के सदस्य ग्रहण किया, और 1997 में 1997 में लाओस और म्यांमार देश आसियान का सदस्य बना। आसियान में वर्तमान कितने देश हैं? इसमें टोटल 10 देश हैं। कौन कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक सुरक्षा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया? किससे लाना था? तो यह लाना था जेनेसिस, आंसर ए बनेगा, जेनेसिस से लाना था। देखेंगे कि बाइकिंग जो है अंतरिक्षयान मंगल पर भेजे गए दो अंतरिक्षयानों में से एक था, है ना। ग्यूटो अंतरिक्षयान एक यूरोपीय रोबोटिक अंतरिक्षयान मिशन था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? कौन सा पुरस्कार को राष्ट्रपति देते हैं? तो ये सभी, परमवीर हो, भारत रत्न हो या शौर्य चक्र हो, ये सभी को देते हैं राष्ट्रपति ही। भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है 1954 में होती है। परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च पराक्रम, शूरवीर एवं बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। शौर्य चक्र के बारे में जानते हैं, तो यह भारत में शांति के समय वीरता का जो है पदक है। इसे जो है सैनिकों व असैनिकों को असाधारण वीरता बलिदान के लिए दिया जाता है। और वीर चक्र के बारे में जानेंगे तो भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह जो है युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान जो है सैनिकों को असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य ने शुरू किया था? कौन सा राज्य शुरू किया था तानसेन सम्मान? तो आंसर बन जाएगा, राइट आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, तानसेन जो है अकबर के दरबार में उपस्थित नौ रत्नों में से एक थे। है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था? तो कौन लिखे थे ये, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बन जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, बी डी सावरकर लिखे थे। बी डी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी थी। बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं किए थे। और सावरकर जो है 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की रचना किए थे। मदन मोहन मालवीय जो है 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्या है हमारा, निम्नलिखित में से और दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक अधिकारी बतानी है, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो आंसर बन जाएगी आपकी, राइट आंसर डी, प्रिटोरिया। कौन है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। जैसे हम लोग के यहाँ पे कौन सी है, हम लोग के पास जो है कार्यपालिका राजधानी तो नई दिल्ली है ना। केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। और ब्लामफाटेन दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा, जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के जो है मातृभाषा जुलू, कोसा और अफ्रीकांस आदि है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो है क्या है, रैंड है। और दक्षिण अफ्रीका में रैंड जो है सोना का खान भी है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रवाद क्या है, एकता विविधता में। दक्षिण अफ्रीका में जो है अश्वेत जनसंख्या लगभग कितनी है, लगभग जो है 79.3% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजय जयराम निम्नलिखित खेल में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन से खेल खेलते हैं? तो यह बैडमिंटन खेलते हैं, आंसर बनेगा, राइट आंसर डी। गुरु साई दत्त, सौरभ वर्मा, साइना नेहवाल, अक्षय दिलवाकर, अक्षय दिवालकर और
आदि जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, जैसे सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, है ना, ये लोग सब क्या है, तो ये लोग शूटिंग से संबंधित है। मनिका बत्रा, नैना जायसवाल, अंकिता दास, ये लोग सब क्या खेलते हैं, तो टेनिस खेलते हैं। अगला देखिए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, कौन जीता है, भारत ने। आंसर बनेगा सी, भारत ने जीता है 7 विकेट से हरा करके, किसको, इंग्लैंड को हरा करके जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में, संस्करण था पहला। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है, किसे मिला है, तो आंसर बनेगा बी और सी दोनों को। बी में कौन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, और ए में क्या है, सॉरी सी, सी में क्या है, गुलजार को, गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है, तो आंसर ऑप्शन नंबर आपकी डी बनेगी। और 2022 के लिए जो है बता दें आपको, पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मैजो को दिया गया था, दामोदर मौजो को दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय किसने कहा है भारतीय संविधान को, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट कहे हैं। विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा जो है एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। निजामुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को अपवहन समिति कहा है। अगला क्या है, एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाते हैं, मिजोरम में, आंसर बी बनेगा, मिजोरम में। अगला प्रश्न देखिए, मोत्सु जो है, मोत्सु त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, यह नागालैंड में मनाया जाता है, मोत्सु नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां जो है मेघालय में स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, जयंतिया है, खासी भी है, गारो भी है, लेकिन जावरी नहीं है, आंसर सी बन जाएगा। देखिए, जावरी पहाड़ियां की श्रेणी जो है पूर्वी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है, यह जो उत्तर तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है, इस पहाड़ी पर जो है चंदन के जंगल है। गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर आदि जो है पहाड़ियां अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, आंसर बनेगा बी, हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है प्रशांत, हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा है एवं कम औसत है। इस दृष्टि से हम बता दें कि अर्ध महासागर भी कहा जाता है इसे, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप को, भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक अवस्थित के चलते हिंद महासागर त्रिभुजाकार एवं विशिष्ट आकृति में दिखाई देता है। भारत की लंबी तटरेखा जो है महासागर से जुड़ी हुई है, भारत इसके शीर्ष पर अवस्थित, जिसके कारण यह जो है महासागर का नामकरण हिंद महासागर किया गया है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी का 1/6 भाग जो है समाहित किए हुए एवं विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो वह कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, आंसर बनेगा बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, तो कौन होता है शामिल, अंतिम वस्तुओं की बिक्री, आंसर ए बनेगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अगला प्रश्न है कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है, तो हम मिशन का नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त, आंसर बनेगा ए, ऑपरेशन दोस्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यह किया गया था 1948 में, राइट आंसर बनेगा बी, 1948। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, यह लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस, आंसर ए बनेगा, कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। भू राजस्व प्रणाली अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार को भू स्वामी मानकर उनके साथ जो है भूमि की बंदोबस्ती की गई थी। अगला प्रश्न किया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था,
यह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर बनेगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? घोड़ा से गिरकर किसका हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली के निकट जो है अफगानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में जो है नामक स्थान पे लकड़ी के महल के गिरने से हो गया था। जनवरी 1556 में जो है दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गया था। और 22 जनवरी 1666 में आगरा में बंदी जीवन में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करा दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? आबू धाबी किस देश की राजधानी है? UAE की है। आंसर ये बनेगा संयुक्त अरब अमीरात की है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम है। अगला है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायत की स्वशासन स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा है इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो नीचे दिए गए सही पुट को पहचानना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा सिर्फ एक है इसमें, इसमें पंचायती को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया ना, आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? किस आधार पे था? ये होता कब है? 1951 में होता है। 1951 से 56 तक होता है पहला पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पे। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या है कि नीति, इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया था? तो जस्ट हम लोग ने अभी पढ़ा योजना आयोग, उसी को करने के लिए। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। इसकी स्थापना होती है 1950 को होती है और 51 से स्टार्ट हो जाती है। और नीति आयोग कब बनता है? तो 2015 में बनता है ना, 1 जनवरी 2015 को बनता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर बनेगा बी, सिंधवी समिति। राइट आंसर बी बनेगा। विश्व शांति दिवस 2023 वर्ल्ड पीस डे 2023 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। आंसर बनेगा डी, 21 सितंबर। कि अगला प्रश्न क्या बोला है कि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो बिंदुओं पर आधारित है। किस पे है? बिंदुओं पर है। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत की पहली इंजन रहित जो है रेलगाड़ी का नाम क्या है? रेलगाड़ी का नाम क्या है? इस रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? लेड मतलब क्या होता है? सीसा है ना, इसका होगा क्या रासायनिक नाम? रासायनिक प्रतीक जो होगा ऑप्शन ए बनेगा पीबी। राइट आंसर ए बनेगा पीबी। मैग्नीशियम का MN होता है, आयरन का FE होता है, जिंक का ZN होता है, एल्युमिनियम का तो पता है एल, कॉपर का Cu, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, क्रोमियम का Cr होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह का खोज कौन किए हैं? रक्त समूह का खोज कौन किए हैं? तो आंसर बनेगा सी, कार्ल लैंडस्टीनर किए हैं। स्टेथोस्कोप का खोज कौन किया है? लेनेक किया है। टीबी चिकित्सा का रॉबर्ट कोच किया है ना। और हृदय प्रत्यारोपण जो विश्व में प्रथम, तो डॉक्टर क्रिस्टियन बिनॉड। और हृदय प्रत्यारोपण भारत में तो डॉक्टर वेणुगोपाल। और DDT का डॉक्टर पाल मुलर। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? कौन बन सकता है? तो आंसर ए बनेगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की SI इकाई क्या है? दाब का SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई है पास्कल। आंसर बनेगा बी, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होता है 10^5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। 1 मिली बार बराबर होता है 10^2 पास्कल। अगला है कि रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नाम पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो आंसर बनेगा बी, क्यूरी। राइट आंसर होगा बी, क्यूरी। अगला प्रश्न देखिएगा, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आंसर बनेगा हमारा सी, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। राइट आंसर सी होगा।
त्वरित गति जो है त्वरण में नियंत्रण परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्र जीव होते हैं, विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो कौन है ये? आंसर बनेगा राइट आंसर ए, एकानोड मेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है, तो कौन है? इसे लौह पूरक द्वारा उपारित नहीं किया जा सकता है, यह आण्विक रोग है, या मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, या सभी? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, सॉरी। अगला है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? जड़त्व के नियम भी बोलते हैं इसे, आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, वह क्या है? तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया के ऊष्मा क्षेत्र, आंसर सी बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है, विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, तो देखिए क्या है इसमें कि विकास की प्रक्रिया संरचना विदों के अनुसार बताना है आपको, तो आंसर क्या बनेगी? आंसर देखिए, एक सतत प्रक्रिया होती है, एक असतत प्रक्रिया होती है, या रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह एक असतत प्रक्रिया होती है, आंसर बी बनेगा। विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है गैरिसन, आंसर बनेगा ये गैरिसन है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास चक्र में तीव्र विकास की आयु है, कौन सी है तीव्र विकास की आयु? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़वस्था, या बाल्यावस्था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, किशोरावस्था। अगला है, सामाजिक के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? सबसे प्रमुख साधन जो है शिक्षा है, आंसर सी बनेगा, शिक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक सामाजिक में सर्वोत्तम साधन है, कौन है सबसे उत्तम? तो आंसर बनेगा परंपराएं, राइट आंसर ये बनेगा। मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से शुरू होता है, तो कब से होता है? यह शुरू हो जाता है 3 साल से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आंसर बनेगा राइट आंसर डो, अनुवांशिकता, दोनों होगा, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों है, आंसर सी बनेगा। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? तो आंसर बनेगा बीने साइमन परीक्षण, आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डिजाइन स्टेट किसने बनाया, किसने बनाया? तो यह बनाए हैं कोहलर ने, आंसर ए बनेगा, कोहलर। व्यक्तिगत शिक्षा निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधि नहीं आती है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है, तो वो कौन सी है? तो आंसर बनेगी बी, सामूहिक शिक्षण, आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला देखें, कौन सा कला जो है मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूहों के पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित करती है, कौन दिखाती है? तो आंसर क्या बनेगा? क्षेत्रीय कला, राइट आंसर ये बनेगा। व्यक्तिक भिन्नता जानने की प्रमुख विधियां हैं, क्या है प्रमुख विधियां बताइए, राइट आंसर क्या बनेगी? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, व्यक्ति इतिहास विधि, सामूहिक अभिलेखन और परीक्षण। इस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसमें होता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? क्या क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला देखें, ऐसे व्यवहार को क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग प्राकृतिक व्यवहार, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए कि डैश एक तनाव की दशा है जो भौतिक आवश्यकता जैसे जल और पानी का वंचन से उत्पन्न होती है, तो क्या होगी आंसर बताइए? प्रनोद होगी, आंसर बनेगा बी, प्रनोद। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, बताइए क्या कदम उठाना चाहिए? क्या मूर्त विषय के शिक्षण करना चाहिए, या अमूर्त विषय के शिक्षण, या सामान्य से अधिक विषय के शिक्षण, या उपयुक्त में से सभी?
आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उपयुक्त से सर्वे करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवादी धारण को दर्शाता है? सांस्कृतिक रूढ़िवादी है, व्यक्तियों के सम्मोहन रूढ़िवादी है, या जेंडर संबंधी रूढ़िवादी है, या नस्लीय रूढ़िवादी है? तो आंसर बताइए क्या बनेगा। तो यह जेंडर संबंधी रूढ़िवादी है ना, आंसर सी बन जाएगा। अगला देखिए, कौन सा बालक जो है सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं? तो कौन से हैं, प्रतिभाशाली बालक, अपवादात्मक बालक, सृजनात्मक, या चिंतनशील बालक? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को सबसे अधिक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन है, तो आंसर बनेगा आपका डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। राइट आंसर डी बन जाएगा हम लोग का। अगला देखिए, किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित होता है? तो किस प्रकार का है, आंतरिक अभिप्रेरण या बाहरी अभिप्रेरण? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, केवल आंतरिक अभिप्रेरण, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि किसके अनुसार समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है? कौन सा है, आंसर बनेगा स्टेनले ग्रे, आंसर बनेगा ये स्टेनले ग्रे। अगला देखिए, वह सिद्धांत के अनुसार किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गायक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए बनेगा, विकास क्रम का सिद्धांत, आंसर ए होगा। अगला क्या है कि मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? किस पर होता है निर्भर, यह होगा अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, आंसर डी बन जाएगा, सभी पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा 3 से लेकर 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 सामान्य विषयों के इर्द गिर्द लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उन विषयों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है, आंसर बताइए, आश्रय, भोजन, पानी, या जैव प्रौद्योगिकी? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, जैव प्रौद्योगिकी। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटे बच्चों के अपने आसपास के लोगों के उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं, बच्चे आवाज से नहीं खेलते, बच्चे पैदा होने के समय से ही आवाज नहीं सुन सकते, बच्चों में आवाज निकालने का अभ्यास नहीं देखा जाता है? तो आंसर क्या बनेगी यहाँ पे, राइट आंसर बनेगी, छोटे बच्चों अपने आसपास के लोगों के आचरण का ग्रहण कर लेते हैं ना, तो राइट आंसर ए बनेगा। आशा है ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं महामैराथन क्लासेस के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।